ऐसा कोई र्यूमर आपने अपने बारे में सुना हो जिसे सुन के आपको लगा यार इसको कैसे पता चल गया? ट्रिकी क्वेश्चन। अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ तो अभी मैं सब एक्टर से बहुत बातें करती हूँ। ऐसा कोई था जो जिसने आपको सेट पे सबसे ज्यादा परेशान किया हो? छोटा बच्चू। वो छोटा जो था वो हमेशा शॉर्ट मतलब रेडी है, हम लोग अभी रोल करने वाले हैं सडनली। एंड आई एम अ वेरी मदरली मदर यू विल से, तो मैं मुझे बच्चे बहुत पसंद है। द मीनिंग ऑफ व्हाट लव कैन टेक यू टू, सो यू नो मोहब्बत में आप क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, ये आपको दिखाई देता है इस फिल्म के अंदर। अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मतलब क्या मैं उसके लिए क्राइम करूंगी? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा आनंद और आप देख रहे हैं जागरण.com। एक सिंपल सी हाउसवाइफ अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है और उस प्यार के लिए किस हद तक चली जाती है वो बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सावी से एक्ट्रेस दिव्या खोसा कुमार एंड द मूवी डायरेक्टर अभिनव देव। वेलकम मैम। वेलकम सर। दिव्या मैम, एक तरफ है द दिव्या खोसला, इंडिपेंडेंट वुमन, करियर ओरिएंटेड, जो अपने बेटे से प्यार करती है, अपने पति से प्यार करती है। दूसरी तरफ एक सिंपल सी हाउसवाइफ सावी, वो भी अपने पति से प्यार करती है, अपने बच्चे से प्यार करती है। बट दोनों फीमेल कैरेक्टर्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंट चीज़ है? आई थिंक काफ़ी डिफरेंस भी है, बिकॉज शी इज अ सिंपल हाउस वाइफ, उसका एम्बिशन ही हाउस वाइफ बनना है, उसको बाहर जॉब नहीं करनी है। आई इन माई रियल लाइफ आई एम वेरी एम्बिशियस, आई एम वेरी करियर ओरिएंटेड, ये आई थिंक ये डिफरेंस है। बट इनसाइड तो यू नो बोथ ऑफ अस, जब सावी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो पूरे ब्रह्मांड से लड़ती है उस प्यार के लिए। अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मतलब क्या मैं उसके लिए क्राइम करूँगी, बिकॉज सावी करती है। सो आई थिंक मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं हमेशा राइटियसनेस के लिए लड़ूंगी। अगर वो चीज़ मेरी फैमिली से रिलेटेड हो लेकिन वो गलत हो तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी, मैं हमेशा सच के लिए, राइट के लिए लड़ूंगी। सावी किस चीज़ के लिए लड़ती है वो आपको पिक्चर देखने में पता चलेगा। मैम आप बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं बट सावी बिल्कुल ही ऑपोजिट है, सो क्या डिफरेंट चीज़ें आपने सेट पे फील करी, क्या चैलेंजेस थे? जी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि मैं कोई ऐसा किरदार चुनूं जिसमें जो बिल्कुल डिफरेंट हो, मेरे लिए चैलेंजिंग हो। सावी डेफिनेटली मेरे लिए चैलेंजिंग था, बिकॉज इतना कुछ था, यू नो एक्शन भी करना था, इतने सारे इमोशनली इतना अप्स एंड डाउन्स थे उसकी जर्नी में, इतनी हिम्मत वो अपने अंदर से ढूंढती है। सो आई थिंक रियल लाइफ में भी हर औरत के अंदर बहुत शक्ति होती है, जब उसके अपनों पे बात आती है तो वो माँ शक्ति का रूप धारण करती है। सो द फिल्म इज अ स्टोरी ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन एंड आई थिंक एवरी वुमन विल रिलेट टू इट। मैं भी इसलिए सावी से बहुत रिलेट करती हूँ, सावित्री की कहानी पर आधारित है, इट्स अ मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ सावित्री एंड फिल्म बहुत थ्रिलिंग वे से शूट हुई है। सर ने लाइक बहुत सस्पेंस थ्रिल कि कैसे नॉर्मल हाउसवाइफ ये जेल ब्रेक का प्लान बनाएगी, कैसे जेल ब्रेक एग्जीक्यूट करेगी जहां पर इतने सारे सीसीटीवी कैमरास है, इतने सारे आर्म गार्ड्स है। सो इट्स फुल ऑफ मिस्ट्री। आपने अनिल कपूर सर और हर्षवर्धन के साथ पहली बार आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तो किसके साथ शूट करने में ज्यादा मजा आया आपको? ओह गॉड, ट्रिकी क्वेश्चन। आई थिंक दोनों के साथ बहुत मज़ा आया। ऑफकोर्स अनिल सर से सीखने को ज़्यादा मिला, बिकॉज वो बहुत इंस्पायरिंग थे एंड बाकी हर्ष एंड मी आर ऑलमोस्ट द सेम एज ग्रुप, तो इसीलिए मतलब वी वर मोर लाइक फ्रेंड्स एंड वी वर लाइक बॉन्डिंग ऑन सेट। बट अनिल सर के साथ भी मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री बैठी, सो दोनों के साथ अलग था। ही वॉज द वन आई वॉज फाइटिंग फॉर, यू नो ही वॉज माई हस्बैंड, ही वॉज प्लेइंग माई हस्बैंड ऑन स्क्रीन हर्ष। सो आप आई थिंक यू शुड वॉच द फिल्म एंड सी कि किसके साथ अच्छी केमिस्ट्री है। सर एक सिंपल सी हाउसवाइफ अपने हस्बैंड के लिए उसको बचाने के लिए क्रिमिनल बन जाती है, बट इन दिस जनरेशन, जेंजी की जनरेशन में जहाँ हुकअप इज द न्यू कल्चर, आपको लगता है उनके साथ ही मूवी कनेक्ट कर पाएगी? क्या है ना कि द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ अ फॉर एनीबॉडी, भले वो जेंजी हो या तो यू नो पिछले क्या कहते हैं 30-40 साल पहले वाले लोग हों, जैसे कि मेरी जनरेशन के लोग हों, मेन पॉइंट क्या है कि द बेसिक इमोशन विल रिमेन द सेम। अगर आप किसी से प्यार करते हो, वेदर इट्स टुडेज डे एंड टाइम एंड द यंगस्टर्स ऑफ टुडे और नॉट, द लव इज द सेम एंड व्हाट यू विल डू फॉर द लव विल ऑल्सो रिमेन द सेम।
So according to me, this will connect. And plus, in this particular film, ऐसा है ना कि ये लड़की भी जो है वो कोई पहले वाले जनरेशन की तो है नहीं, इसी जनरेशन की है. सो द कनेक्ट विल श्योरली हैपन. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स अ फिल्म मोर फॉर द यंगर जनरेशन बिकॉज इट इज समथिंग दैट इट शोज सर्टन वैल्यू सिस्टम्स. इट शोज यू द मीनिंग ऑफ वॉट लव कैन टेक यू टू. सो यू नो, मोहब्बत में आप क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, ये आपको दिखाई देता है इस फिल्म के अंदर. सो मेरे ख्याल से जेन जी के साथ तो कनेक्ट 100% हो सकती है. आप दिव्या मैम के साथ फर्स्ट टाइम आप मूवी कर रहे हो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या न्यू चीज आपने एक दूसरे के बारे में जानी? मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ काम करने का बहुत फैंटास्टिक रहा है. हालांकि हम एक दूसरे को 15-17 साल से जानते हैं बिकॉज वी वर नेबर्स, वी लिव्ड जस्ट ऊपर नीचे इन द बिल्डिंग. बट द फैक्ट इज दैट शी इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. दिस इज समथिंग दैट आई केम टू नो आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग विद हर. And I have seen her always in some, in a different role. You know, in all her films before this, right. She was a very different role. And when this film ka jo role tha, itna intense, itna, you know, all the 45 days that we were shooting, she had to be really thinking about the role all the time. To mujhe ek samajh mein aaya ki after this journey that she's a director's actor. And she's a very, very hard-working person who was always prepared on set. She was the most prepared person on set. As an actor, she was the most prepared. And that is a dream for a director. You know, that somebody comes on set who's so prepared with everything, then the process becomes very easy. जैसे आपने बताया सेट पे मैम बिल्कुल प्रिपेयर होकर आती थी, ऐसा कोई था जो जिसने आपको सेट पे सबसे ज्यादा परेशान किया हो, या फिर जो बहुत ज्यादा लेट आता था, परेशान रहते थे यार कब आएगा, कब शूट होगा, छोटा बच्चू? हाँ, वो छोटा जो था बच्चा दारा, वो बच्चा वो हमेशा शॉट मतलब रेडी है, हम लोग अभी रोल करने वाले हैं, सडनली अरे यार ऑल द टाइम. एंड देन ही वुड ऑलवेज बी प्लेइंग समथिंग, वो अपना ही कुछ कर रहा है, कैरेक्टर इधर उधर देख रहा है. तो परेशान नहीं किया, वो बच्चा बहुत सुलझा हुआ था, बहुत छोटा सा बच्चा था वो, 8 साल का, तो उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे सेट पे और ऐसा कोई नहीं था. आई थिंक एवरीबडी डिड देयर जॉब ब्रिलियंटली, एवरी वन वॉज प्रिपेयर्ड. और कैसा होता है ना कि आप एक सेट करते हो, एक पर्टिकुलर स्टाइल, एक जोन सेट करते हो मूवी का, एंड व्हेन एवरीबॉडी अग्रीज विद इट ना, एंड एवरीबॉडी गेट्स इनटू द सेम जोन, देन वो कहीं कुछ फील नहीं होता कि यार कोई तकलीफ दे रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कुछ नहीं. इट वाज सच अ स्मूथ रोलिंग ऑन दिस सेट, इट वाज अमेजिंग. मैम, मूवी में आपके सन के साथ जो आपका सावी का रिलेशन था, और रियल लाइफ में आपके आपके बेटे के साथ जो रिलेशन था, कुछ आपने पर्सनल लाइफ से सीखा जो आपने मूवी में इम्प्लीमेंट किया हो मदरली नेचर से रिगार्डिंग? आई थिंक बिकमिंग अ मदर ही आपको इतना कुछ सिखा देता है. एंड आई एम अ वेरी मदरली मदर, यू विल से. तो मैं, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो कोई भी बच्चे के साथ अगर मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत उसके प्रति नेचुरली एक मदरली फीलिंग आती ही है, एक ममता आती है. सो विद दिस चाइल्ड ऑल्सो आई थिंक मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था. मैं उसके साथ खेलती रहती थी, बातें करती रहती थी, और उसको अलग अलग वे से एड्रेस करती थी जैसे हम बच्चों को एड्रेस करते हैं. तो मेरा एक बहुत अच्छी उसके साथ भी केमिस्ट्री थी. ऐसा कोई र्यूमर आपने अपने बारे में सुना हो जिसे सुन के आपको लगा यार शिट इसको कैसे पता चल गया? सबको ऐसा र्यूमर बच्चे को नहीं, आपके लिए आपका कोई र्यूमर जो आपको आपने सुना हो एंड यू वर लाइक कि इन्हें कैसे पता चला, जो एक्चुअली ट्रू हो? कोई रिमर नहीं. ओके, एंड अभी तक आपने अक्षय कुमार, बॉबी देओल, जॉन इब्राहिम, हर्षवर्धन सबके साथ काम किया है, सबसे ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री आपकी किसके साथ थी? आई थिंक ये बोलना मुश्किल है क्योंकि हर एक्टर के साथ आपका अलग वो होता है. अक्षय जी के साथ जो मैंने काम किया था तब मैं 17 साल की थी, बच्ची थी एकदम खुद ही, और उस टाइम मैं बहुत ऐसा नर्वस किड टाइप की थी. अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो अभी मैं सब एक्टर से बहुत बातें करती हूँ. अगर आपको चॉइस दी जाए रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, विकी कौशल एंड कार्तिक आर्यन में से, तो आपकी फर्स्ट चॉइस कौन होगा अगर आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसके साथ करना चाहोगे? अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस लाए हो? आई थिंक ऑल आर वेरी टैलेंटेड एंड इस जनरेशन में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड एक्टर्स है. सो किसी को भी ऊपर नीचे बोलकर मैं उनको वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूंगी, एंड इनमें से किसी के साथ भी काम करने का मौका मिले, सो आई थिंक आई विल कंसिडर माई सेल्फ लकी.
सर, सावी एक और बॉलीवुड मूवी के साथ क्लैश कर रही है, तो आपको लगता है कोई डिफरेंस होगा बॉक्स ऑफिस पे? होना तो नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत अलग फिल्म है, ये अलग फिल्म है, और दोनों ही फिल्में अगर अच्छी करती हैं बिजनेस वाइज तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई क्लैश होने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों फिल्में इतनी अलग हैं अपने आप में कि आई थिंक ऑडियंस विल गेट अ गुड फील फ्रॉम बोथ द फिल्म्स। सो लास्टली, आप भी पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी, तो एक प्रमोशन पंजाबी में तो बनता है मूवी का, तो पंजाबी में बोले? हाँ जी। उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो आना है साड़ी फिल्म देखन। साड़ी फिल्म सावी रिलीज होने वाली है ऑन 31 मई, तो जरूर आइए और देखिए सावी। थैंक यू सो मच।